एग्रीकल्चर किसानों की बेहतरी के लिए ऐसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का काम। रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर अजमेर। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार किसानों के हित को लेकर जो विधेयक देश में लागू किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के द्वारा हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के हित में किए हुए कदमों को आधार पर किसानों की बेहतरी सुनिश्चित होगी। देश का किसान, इस 21वीं सदी में आवश्यकता थी कि किसानों के लिए इस प्रकार के निर्णय होना ज़रूरी था। किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाकर फंस जाता था, उसकी फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलता था। जिस प्रकार ये विधेयक लागू हैं, इन विधेयकों के माध्यम से किसान अपनी फसल को मनचाही जगह जैसा चाहे जहां चाहे वहां बेच सकता है, और दूसरे विधेयक के माध्यम से किसान अपनी खेती को किसी भी कंपनी के माध्यम से एग्रीमेंट के आधार पर उस फसल का दाम तय कर वो अपनी फसल उगा सकता है, उसको फसल का पूरा दाम मिलेगा। जिस प्रकार विपक्ष द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि इन विधेयकों के माध्यम से किसानों की ज़मीन चली जाएगी, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा स्पष्ट किया है, मंत्री जी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसानों की ज़मीन पर किसी प्रकार का किसी भी व्यापारी और कंपनी का कोई अधिकार नहीं होगा। व्यापारी और किसान के बीच में केवल फसल का एग्रीमेंट होगा, और फसल के एग्रीमेंट में भी किसान का पक्ष मजबूत होगा। किसान और व्यापारी के बीच में जो समझौता होगा, उस समझौते के आधार पर किसान को व्यापारी को उसकी फसल का दाम देना होगा, और किसान अपनी फसल को मंडी के अलावा भी वन नेशन वन मार्केट के माध्यम से अपनी फसल को जहां चाहे जैसे चाहे जिस दाम पर चाहे बेच सकता है। इस बिल के माध्यम से किसानों का जीवन बेहतर होगा, किसानों की आय दुगनी होगी। हम एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और किसानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार कई प्रकार की मांग उठती रही। स्वामीनाथन कमेटी ने भी कई इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए, ऐसी बात का समर्थन भी किया, लेकिन आज तक कोई सरकार किसानों के हित में, किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के जीवन को बदलने के लिए जिस प्रकार के निर्णय लिए, ऐसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का काम अगर किसी पार्टी ने या किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। कुछ दिनों पहले केंद्र की सरकार